हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। तो अब मैं आपके लिए लेके आया सीएसआईआर नेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रियल एनालिसिस का जो टॉपिक है, वहाँ से 100+ क्वेश्चंस का एक वीडियो सीरीज मैं बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एक पार्ट बी से और एक पार्ट सी से। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन जो है वो जून 2015 में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द सम ऑफ द सीरीज हमें गिवन है इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे सी करेक्ट है चलिए देख लेते हैं। तो द गिवन सीरीज इज, अगर इस सीरीज को हम लोग समेशन फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर आपका न्यूमरेटर में दिया हुआ है 1+2+n, इसका जो फॉर्मूला है हम सबको पता है, n(n+1)2, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी n प्लस वन को हम लोग ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1+2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी 2 को निकाल दिए, निकाल देने के बाद समेशन को ब्रेक कर लेते हैं। समेशन को ब्रेक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं n(n-1)n, और एक समेशन में हो जाएगा 2n/n, ठीक है। अभी देखिए ये जो है फैक्टोरियल n को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा ये जो स्टेप है इधर पे n(n-1)n को अगर ब्रेक करके n(n-1)n-2, तो ये कैंसिल आ जाएगा, इसके बाद रह जाएगा 1/n-2। सिमिलरली इधर पे हम लोग अगर करेंगे तो 2 को निकाल दिया, 2 को निकालने के बाद n/n, ठीक है। तो n/n(n-1) हम लोग लिख सकते हैं और n कैंसिल हो गया, तो 1/n-1। नाउ वी नो e=n(0 to ∞)(1/n). ये कैसे हुआ, ये हो गया, दिस इज बिकॉज e^x = ये सीरीज है e^x का। तो इधर अगर हम लोग x = 1 पुट कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये n 0 से इन्फिनिटी है तभी इधर फैक्टोरियल n है। अगर 2 से स्टार्ट हो तो n-2 और 1 से स्टार्ट हो तो n-1, ठीक है। तो इसका वैल्यू e है, तो इसका वैल्यू भी e हुआ और 2 × इसका वैल्यू भी e, तो 2ic, तो 3ic/2। तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट बी का क्वेश्चन। अभी हम लोग देखते हैं पार्ट सी का एक क्वेश्चन। पार्ट सी का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं इधर पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेट an = 1/n log n, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, एज अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो अभी हम चेक करते हैं 1/1 ऑप्शन कौन सा करेक्ट। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो सीक्वेंस ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट। तो ये चेक करने के लिए हम लोग इसका लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट n→∞ n = n→∞, एन का वैल्यू इधर बिठा दिया। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो एन अगर इन्फिनिटी पुट किया तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर नीचे इसको डेरिवेटिव करके इधर बिठा दिया और लॉग एन का डेरिवेटिव इधर बिठा दिया, तो ये हो गया 0, ठीक है। Clearly the sequence is convergent. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अभी तो सीरीज एन इज कन्वर्जेंट ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए एक रिजल्ट हम लोग अगर याद करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, समेशन एन फ्रॉम 2 to ∞ 1/n⁴ log n⁴ converges if p > 1 और if p = 1 एंड q > 1। मतलब ये कन्वर्ज होगा अगर p > 1 हुआ, और नहीं तो p = 1 एंड q > 1, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेगा, और ये अलग से करेगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। या तो ये सेटिस्फाई करना है और नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है समेशन n(n)^2 to ∞, इसको हम लोग ऐसे अपना n का वैल्यू बिठा दिया। तो हम देख सकते हैं n^p, मतलब p का वैल्यू इधर 1 है, तो ये डाइवर्जेंट होगा क्योंकि p > 1 होने से कन्वर्जेंट होता है। तो इधर तो p = 1 है, तो ये डाइवर्जेंट, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं सी। तो सी में समेशन n फ्रॉम 2 to ∞ n²
तो एन स्क्वायर में अगर हम एन स्क्वायर के वैल्यू इधर पुटा बिठा दिया तो आप देख सकते हैं एन स्क्वायर इधर पी का वैल्यू कितना है 2 और कन्वर्स तभी होता है पी अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये कन्वर्स होगा क्योंकि एस पी इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 तो ये कन्वर्स हो गया तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अभी देखिए द सीरीज -1 टू द पावर एन एन इज कन्वर्जेंट ये हमने पढ़ा है लिबनिस टेस्ट है हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लिबनिस टेस्ट क्या है समशन एन फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन ए एन कन्वर्जेंट इफ ये जो सिक्वेंस एन है ये कन्वर्जेंट होगा एंड डिक्रीजिंग होगा तो ऑप्शन डी में चेक करते हैं एन हमारा कन्वर्जेंट है ये हमने ऑप्शन ए में ही चेक किया है देख सकते हैं एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ठीक है एन इट इज इजी टू सी दैट एन इज डाइवर्जेंट क्योंकि 1/n log n है तो ये डिक्रीज होता रहेगा ये वैल्यू तो क्लियरली ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है ठीक है तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट हो गया द सीरीज इज कन्वर्जेंट क्योंकि एन कन्वर्जेंट भी है और डिक्रीजिंग भी है तो ये सीरीज क्या हो जाएगा लिबनिस टेस्ट की मदद से कन्वर्जेंट ठीक है तो ऑप्शन ए सी डी इसमें करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा पार्ट सी का एक क्वेश्चन तो इसी तरह मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे और दो क्वेश्चन हम लोग रियल एनालिसिस को सॉल्व करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद।